तो टीचर्स ये क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द विच इज द लीस्ट पोलराइजेबल गैस अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सी लीस्ट पोलराइजेबल है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना छोटा होगा उतना ही कम पोलराइजेबल होगा, और जितना बड़ा होगा एटम उतना ही ज्यादा पोलराइजेबल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साइज अगर किसी की बड़ी है, ठीक है, किसी एटम की साइज बड़ी है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपनी तरफ खींचना आसान है, और जब इसको अपनी तरफ खींचना आसान है तो इसके अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करना आसान है, और डिस्टॉर्शन क्रिएट होने की वजह से इसके अंदर पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा होगा इसका। बट जहां छोटा है हीलियम इसका आंसर होगा, क्योंकि छोटा है, बहुत छोटा एटम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना उतना ही मुश्किल है, तो यहां पे पोलराइजेशन कराना बहुत मुश्किल है, तो लीस्ट पोलराइजेबल यही होगा। तो टीचर्स ये हमारी आज की जो फर्स्ट डीपीपी थी ये कंप्लीट होती है, ठीक है, नेक्स्ट डीपीपी में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड।